अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स एंड कुकिंग रेसिपीज। जी आज की वीडियो मैं स्पेशल उन लड़कियों के लिए लाई हूँ जो अपने फ्रीजी और ड्राई हेयर्स की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं। फ्रीजी बाल बहुत ज़्यादा टेंशन का बाइस बनते हैं। जब आप लोगों के बालों में बिल्कुल जान ना हो, आप लोगों के बाल बिल्कुल बेरुखे हो चुके हों, क्योंकि बालों के रूखेपन और फ्रीजी हेयर्स की वजह से कोई स्टाइलिंग नहीं आप हेयर्स में कर सकते हैं। और ये क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या हमारी खुराक में कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे बालों में जी बहुत ड्राइनेस और नमी हो जाती है। इन्वायरमेंट का भी बहुत असर पड़ता है हमारे हेयर्स पर। सूरज की शुआएँ भी हमारे बालों को बहुत मुतासर करती हैं। डिफरेंट शैम्पू जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हम लोगों के बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ये आज स्पेशल उन्हीं लड़कियों के लिए ये वीडियो लाई हूँ कि आप शैम्पू चाहे जो भी यूज़ करें, लेकिन आप लोगों को जो मैं तरीका बताऊँगी, अगर आप उस तरीके से शैम्पू करेंगे तो आप लोगों के बालों में बहुत सॉफ्टनेस, शाइनी, बहुत स्मूथ आपके बाल हो जाएंगे। आप लोगों के ड्राइनेस, फ्रीजी, हर तरह के आपके बालों की जो प्रॉब्लम्स है वो सब ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने अपनी रूटीन में ये चीज़ शामिल कर ली शैम्पू करते हुए, तो आप खुद हैरान होंगे, आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो चलें जी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो हमें जी जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये है जी हमारा एलोवेरा जेल, ये मैंने यहाँ लिया। शैम्पू, शैम्पू आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और साथ जी मैंने लिया है यहाँ पर कोकोनट ऑयल, और साथ लिए हैं मैंने ये देखिए ये विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं रेड कलर के, ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ये बासानी मिल जाएंगे। ये 2 कैप्सूल्स मैंने लिए हैं जी। चलिए जी हम बनाना शुरू करते हैं। हमें जी जो चीज़ें चाहिए, पहले हमें चाहिए शैम्पू। ये देखें जी शैम्पू के हम 2 चम्मच यहाँ ले लेंगे। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके हेयर अगर लंबे हैं तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच यूज़ कर रही हूँ शैम्पू के। ये देखिए जी हमने यहाँ पे अपने शैम्पू के ये 2 स्पून भर के यहाँ पे ले लिए हैं। नेक्स्ट जी जो हमें चाहिए वो है हमारा यहाँ पे कोकोनट ऑयल। आपको पता है कोकोनट ऑयल तो वैसे ही हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी 1 चम्मच भर के हम ये ले लेंगे कोकोनट ऑयल हमारा। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी शैम्पू में। नेक्स्ट जी जो हम ले लेंगे वो हमारा एलोवेरा जेल। आपको पता है एलोवेरा जेल तो बालों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी एलोवेरा तो बहुत बहुत अच्छा होता है। इसे भी हमने 1 चम्मच ले लिया है जी, ये देखें। नेक्स्ट जी जो हमारा है वो है हमारे ये विटामिन ई के कैप्सूल, ये हमने 2 लिए हैं। ये भी जी मैं इसमें डाल लूँगी। ये दोनों कैप्सूल जी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। मैं इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। चले जी ये देखिए हमारा ड्राई और फ्रीजी हेयर का शैम्पू बनकर तैयार हो गया है। अब आपको मैं ये भी बताते चलूँ आपने इसे अप्लाई कैसे करना है। जब भी आप नहाने जाएँ तो जी हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जब भी आप अपने बालों को शैम्पू करें, आपने इसी तरीके से अपना शैम्पू बनाना है और अपने बालों में से अप्लाई करना है। आप फर्स्ट ही वॉश में देखेंगे आपके बाल कितने शाइनी, स्मूथ और सिल्की सॉफ्ट नज़र आएंगे आपको अपने हेयर्स। आपने बस हर बार इसी तरीके से अपना शैम्पू तैयार करना है और अपने हेयर्स को वॉश करना है। आई होप आपको मेरी ये ड्राई फ्रीजी हेयर की रेमेडी अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।